कुछ कुछ चेर पहला असं वार्ड नंबर 3 के मल्ला वाले के कुछ लोगों मिले कि उन्होंने यो क्वेश्चन सीधा साढ़े तक जो खाना सही नहीं पहुँच रहा तो जो खाना पहुँच रहा वह खराब हैगा। ऐसे ही बेस से असं अज मिलन जा रहे हैं प्रधान जी नगर कौंसल मल्ला वाले के बबल शर्मा जी ने नाल ही उन्होंने सारे एमसीए मिलन जा रहे हैं। वो अपने पक्ष के की कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे घट्टो घट 7-8 पिंडों के जो खाना जा रहा है तो सिर्फ एक ही आवाज जोड़ा वार्ड हैगा वो आवाज़ क्यों उठा रहा है उस बारे असं गलबात करते हैं। वो मिलते हैं जी प्रधान जी ने एमसी साहबान। हाँ जी सत श्री अकाल सरपंच साहब। सत श्री अकाल जी सर। जो लोग कुछ लोग आवाज़ उठा रहे कि साढ़े तक जो राशन सही नहीं पहुँच रहा या जिदा खराब आ रहा उस बारे तुसी की कहना चाहोगे जी? राशन जो भी नगर पंचायत मल्ला वाला होर साडियां सहयोगी संस्थावां डेरा राधा स्वामी सारे जो लंगर ने बहुत ही साफ सफाई दे नाल बना के लोगों तक घर घर प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि इत्थे कट नहीं करना ते जो कोरोना करके बीमारी है सोशल डिस्टेंस रखने वास्ते सही लोगों ने यह कहा है कि जे किसी भी कोई जरूरत है पहली तो गल हर महल्ले हर गली दे विच साडे जिहड़े सेवादार बंदे ने वो राशन घर घर पहुँचा रहे हैं क्योंकि कट ना हो कोरोना तो दुनिया को बचाया जाए। ठीक है सर। अपने कुछ घर जिदा कह रहे कि साढ़े तक कच्चा राशन नहीं मिले या डेपू का जिदा राशन से कितना टाइम पहला वंडिया गया तो उस बारे तुम की कहोगे? पहला तो मैं बोल रहा वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। साथियों अज जो कि 12-13 दिन हो जा रहे हैं मैं शुरू तो इस कमेटी के नाल संजोग दे रहा लंगर कमेटी के नाल क्योंकि एडा वड्डा जिहड़ा लंगर करना असी धन्नवादी हाँ इन्हां हलवाई यूनियन दे जिन्हें संभालिया है। घट्टो घट 6 क्विंटल चौल 7 क्विंटल घटो घट 6.5 किलो क्विंटल से 7 क्विंटल जिहड़ा आटा पकड़ा है तुसीं देखो कि छोटा प्रोजैक्ट नहीं है घट्टो घट 6-7 पिंडां दे विच लंगर जांदा। ठीक है असीं इत्थों तैयार करके जिहड़े एमसी साहब बन गए उन्हां नूं लंगर वंड के दे दईदा वह जिहड़ा कि घर घर पहुँचा रहा लोड़वंदा नूं पहुँचा रहे हैं हर एक दे घरे राशन बहुत वधिया पहुँचता है पर कुछ विच गलत अंसर हुंदे आ उन्हां नूं चंगा नहीं लगता जिस तरह के 4 बुढ़ियां खड़ियां करके कह देना भी सानूं बेई रोटी मिली है ढिड साडे बच्चों के खराब हो गया मैं उन्हां नूं उन्हां वास्ते बहुत माड़ी गल कहना भी है उन्हां वास्ते माड़ी गल है। देखो जी एडा तगड़ा काम करना तो यह तो है नहीं भी तवे तो ला के रोटी देनी भी जी ताज़ी ताज़ी रोटी देनी है अक्सर 7 क्विंटल जिहड़ा आटा पकना है फिर इन्हां नूं असीं 5 बजे वंडना है वह कुछ ना कुछ तो रोटी का फर्क पैना है। हाँ जी पर वो जिहड़े लोग करते हैं जिन्हां दे घर हुंदा वो उन्हां नूं ये चंगी नहीं चीज़ लगती भी कि लंगर बंद हो जाए। ठीक है वो बंद करवाउण दे आड़ दे विच आ के कुछ लोग इन्हां नूं चार चुक करके बुलाउंदे आ पर असीं उन्हां नूं ये निंदते हैं उन्हां दी निखेधी करते हैं भी अगे तो यहाँ नहीं चाहिए इन्हों सगों संजोग देना चाहिए। मैं देख रहा इतने साडे इलाके के जेडे सूझवान लोग है सूझवान बंदे है उन्होंने जरा कि बहुत तगड़ी सेवा दी है वो जरा कि साढ़े को पहुंचती की है असी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। वाहू जी का खालसा वाहू जी। हाँ जी सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी वीर जी। जो ये आवाज उठ रही है उसका कोई क्योंकि ज़्यादातर लोग यो अफवाह डा रहे कि लंगर खराब आ रहा क्योंकि लोगों के एक अफवाह उड़ चुकी है इसका कोई नुकसान दसोगे जी जिदा कह रहे थी? इसका कोई नुकसान नहीं है जी। हाँ जी मैं एससी कैटागरी बिलोंग करता हाँ। हाँ जी हाँ जी तो मैं धन्नवादी एम एल ए साहब का कुलवीर सिंह जीरा जी और बब्बल प्रधान जी का और सारे मल्ला वाले एम सी जान का और जिन्हें भी हलवाई यूनियन ने गल की ये भी राशन माड़ा पहुँचता पर मैं इस गल का गवाह हाँ साढ़े घर साढ़े मुहल्लों के किसी तरह का भी राशन से कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी साढ़े हाथी तैयार होंगे मैं सेवा के नाल लगा हाँ डेली गड्डी से लैके जाना हाँ पर गल हैगी भी शायद चंगा नहीं लग रहा भी इन्हों के घर राशन क्यों पहुँच रहा। ठीक है जी अज कई जगह तो मैं वेखिया भी जेडे गल करते राशन सही नहीं पहुँचता वो कई दिन रसोईया भी जाकर चैक करते हैं भी किसी के घर की पे। हाँ जी हाँ जी जो कि हक नहीं है ना सरकार ने कहा भी किसी के जाके भांडे चैक करो किसी के घर की बनता पे। हाँ जी हाँ जी ठीक है पर अज तक किसी चैक नहीं किया गया तगड़े बंद कि घर की हैगा जेडे सरकार 5-5-7-7 साल तो खा रहे। ठीक है पर राशन कोई कमी नहीं हैगी भी साढ़े हथी बन रहा मेरी वाल्मीकि टीम के प्रधान रमेश अटवाल जी डेली सेवा अं करते हैं और साढ़े घर से राशन इस तरह का कोई नहीं प्रॉब्लम आ रही बिल्कुल सही और साफ सुथरा पहुँच रहा जी। ठीक है जी। हाँ जी सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल जी।
बाबा जी जो राशन के बारे तब्दीली लिया गई है जो लोगों की अफवाह उठ रही है कि राशन ठीक नहीं है उस बारे तुम की कहना चाहोगे जी? देखो जी मैं तो अपने समुची हिलाई हूँ वालों हाँ जी इर्द गिर्द साढ़े उस्ताद जी सारे खड़े है ठीक है जी तो सानू जो भी राशन सुखा गिला सब्जी आदि मिल रहा बहुत वधिया मिल रहा हाँ जी प्रधान जी के उपराले नाल सारा हो रहा पर कुछ बंदे शहर योजे है भी जिन्होंने चीज हजम नहीं हो रही भी घर घर गरीबों के घर जरा राशन पहुँच रहा है क्यों पहुँच रहा है ठीक है जी कुछ गलों जिमें बीबिया रोटियां पका रही थी हाँ जी हाँ जी वो लड़ाई झगड़ा कर दी थी हाँ जी उन्होंने ढा दिता गया उन्होंने घर च भी जान बुझ के शिकायत की जा रही है जी सू राशन पहुँच नहीं गया क्योंकि उन्होंने ये है भी सू ढा दिता गया ठीक है जी दो पत्रकार है साढ़े शहर के है समुची पत्रकार की टीम के जिन्ह के मैं नाम नहीं दसना चाहता दो पत्रकार आप भी पता है उन्होंने भी ये चीज़ हजम नहीं हो रही ठीक है जी भी ये क्यों चल रहा है ठीक है जी पर साइनल पूरी समुची टीम वालों मेरे उस्ताद जी सारे मेरे नाल खड़े है हाँ जी बब्बर शर्मा जी के उपराले 14 तरीक तक असं जो टीचर है उन्होंने लैके जावे अगर जो बब्बर शर्मा जी को एक या दो दिन की कमी आई हाँ जी हाँ जी साड़ी हलवाई यूनियन जी है हाँ जी सारा उपराला करके 14 तक हर हाल असं जिस लंगर लैके जावे उस तो जो सरकार का हुक्म होगा उन्होंने पालना की जाएगी यहोजा कुछ नहीं कि जरा लंगर माड़ा मिल रहा है ज माड़ा बन रहा है ठीक है साढ़े जे उस्ताद जी आपके घर च बैठ के या ठेकेदारी करके इतों तो उत्थे नहीं से करते अच्छ वो भी साढ़े नाल चल के खुरपे फड़ के करता फड़ के लगे हुए हैं ठीक है इस संकट के जनता तक रोटी जी जरूर पहुँचाई जाए ठीक है हर कोई पेट भर के खाने को मिले खासकर जोड़े मजदूर दिहाड़ीदार बंदे है उन्होंने वास्ते सारी जी टीम है उपराला कर रही है ठीक है।